जावे तो हनी गाले कहना जी कती बीट की कसी नहीं मेला हुई कहना जी खास बीट छो अरे वो इतनी कि मांगो सर दे लिंगे ग्रेप फ्री अगर ना आओ मेर नजर ना है मार करने पर अभी देखा रहा हम लंबर ने ना लख लिंगे ये लंबर पे मार करने अभी देखा यार पता नहीं इसने क्या बोला। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमर अकबर सरकानी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। यार अभी मैं थोड़ा बाहर निकला हुआ हूँ और ये देखे ना यहाँ पे जो खेत है, इससे पहले यहाँ पे गंदम थी, आपको मैंने दिखाया भी था। यहाँ से गंदम काट दी गई है लेकिन गंदम पकने से पहले इस पे आपने देखा था कि जालाबारी हुई थी और ये बहुत ज्यादा खराब हुए थे। तो यार जैसे ही इस पे जालाबारी हुई तो इससे वो दाने गिर गए थे, बहुत सारी गंदम के दाने नीचे जमीन पर गिर गए थे। तो अभी उसके तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं तो वो दोबारा से उग गए हैं। ये देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारी गंदम है, इतनी ज्यादा गंदम खराब हो गई है। ये सारा खेत आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है तो ये गंदम है, दोबारा से यहाँ पे उग गई हुई है। तो यार ये तो किसी फायदे के नहीं है और ये अभी ख़राब हो जाएंगे क्योंकि मकई का फसल इसके ऊपर लगा दिया जाएगा और अभी इसके दिन भी नहीं है कि गंदम पक जाए और लोग इसे काट दे। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा चक्कर लगा के फिर घर जाऊँगा। तो आज का लोग यहीं से शुरू करते हैं, पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि भूसा यहाँ पे संभाल करके रख दिया गया है। और यार आप कमेंट में जरूर बता दीजिए कि इस चीज़ को आप उर्दू में क्या कहते हैं, हम तो अपनी जुबान में पुश्तों में भूसा अड़ा कहते हैं। अभी मुझे पता नहीं कि उर्दू में इस चीज़ को क्या कहते हैं, आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। यहाँ पे किसी ने भिंडी की फसल काश्त की हुई है और सुबह सुबह इसको पानी भी लगा दिया हुआ है उन्होंने। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा इसको पानी दिया गया है सुबह सुबह। गाइज गांव में इन दिनों भी मौसम काफी ज्यादा खुशगवार रहता है क्योंकि रात के टाइम शबनम पड़ती है और यार रात के टाइम तो मौसम बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है और सुबह के टाइम भी काफी बेहतरीन मौसम होता है, बिल्कुल नॉर्मल। खैर गाइज अभी मैं ये देखी यहाँ पे आके थोड़ा अपने आप को फ्रेश कर दिया मैंने। सुबह सवेरे इन जैसी जगहों का सैर करना बहुत ज्यादा लाजमी होता है क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं। तो खैर गाइज अभी मैं घर जा रहा हूँ, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। ये देखिए गाइस इन लोगों ने पता नहीं 3-4 दफा इन्होंने जमजम पिया हुआ है, अभी दोबारा से इन्होंने मंगवाया कि जमजम ले आए, हम जमजम पी रहे, हम भी पिए यार, हम खजूर भी खाएंगे और जमजम भी पिएंगे। कल के व्लॉग में भी आपको मैंने दिखाया था लेकिन अभी फिर से खजूर और जमजम मिल गया। मोबाइल क्यों गोरी हाँ हाँ टाटा पा क्यों कहना शाम ए टाटा पा क्यों का यार। अभी हम बिल्कुल फारिग थे तो इस साइड पे हम आ गए और यहाँ पे कारी साहब गन्ने की फसल पे स्प्रे कर रहे हैं। आओ इधर इतने ज्यादा दरख्त है ना, बहुत ज्यादा, ये देखिए हर तरफ आपको छाव नजर आएगा, ये देखिए हर साइड पे दरख्त ही दरख्त ही। तो अभी उनके पास चलते थोड़ा उनसे गपशप लगाते हैं। सलाम अलैकुम, खै मशरा सोर की जावेद खै मारा तावस मा बसे बेगा काली ने शुरू कड़ी दी राहु जाओ माने दे कड़ी अमित दादा का मना वही देवे वाले तड़ी तो मोबाइल में सदे होता दरा सो खजाना मार के चला मत तदा पिल ले तेरा पारा सब बंदू बस आगा खसरे टोपे वाला आओ कने दे सो कम न मार के दूसरे टोपे वाला बेगा पक सो कम वाला और के तुम भी पोए लगा। गाइस जावेद साहब ने जानवरों के लिए चारा काट दिया हुआ है, अभी ये जानवरों को खिला दिया जाएगा। मतलब देसी जावेद हनी गाले कहना जी कती बीट की कसी नहीं मेला हुई कहना जी खास बीट छो अरे वो
नी की मांगो सर दे लेंगे ग्रेप फ्री अगर ना आओ मेर नजर ना है मार के नहीं बराबर दे करो हम नंबर ने ना लिख ली ये नंबर पे मार के ना बता यार पता नहीं इसने क्या बोला नजीर रास्ता कर बहुत है इंशाल्लाह कार नहीं गाइस इससे पहले भी मैंने व्लॉग में आपको कहा था गांव में सिर्फ मैं हामिद और सदाम हम तीनों सिर्फ फारिग हैं और गांव में ही क्योंकि हमारे भी क्लासेस नहीं है क्लासेस ऑफ है और ये लड़के बिल्कुल ही तो मेरे से ज्यादा फारिग है लोग अभी यहाँ आके पौधों को पानी दे रहे थे बस और पता नहीं बाल्टी इन्होंने मुझे पकड़ाई मेरे ख्याल में मुझसे भी काम दिया जाएगा टैंकी फुल है ऊपर से ये तो वो जल्दी यार पता नहीं खाली हो जाती है ये देखिए इतना बड़ा बाल्टी मैं वहाँ से ले आया मुझे राम है ना उड़ा सारा हाँ ये बैंगन है ये मिर्ची है और ये जो है कद्दू है कद्दू है कद्दू मरवा सीट के ये मरवा सीट जबरदस्त सीट है मेरे ख्याल में हमारा अपना है वो अपना दुकान गाइस सहेब का स्कूल हम लोगों ने चेंज किया हुआ है लेकिन अभी तक उसने यूनिफॉर्म नहीं लिया है तो मैं अभी कासमी गांव जा रहा हूँ वहाँ से मैंने यूनिफॉर्म लेना है सहेब के लिए मैं 12 बजे भी चला गया था लेकिन जिस दुकान से यूनिफॉर्म मिलता है वो दुकान बंद थी अभी जाके देखते हैं कि दुकान खुली है या नहीं अभी चलते हैं वहाँ और यूनिफॉर्म लेके वापस घर जाएंगे गाइस ये वही दुकान है जहाँ से हमें यूनिफॉर्म मिलेगा तो सलाम वालेकुम भाई खैर है सलाम वालेकुम सब खैर ठीक छ एक किस्मो ने दिया दार फूल ने टाप कपला पे खड़ा डाल रखा थी हां ठीक छ ठीक है प्याज दा कना दाखल और डाल रखा के जस्ता सो कम खाते ये हां वालेकुम भाई जान क्या है ठीक ठाक मैं उमेर भाई का वीडियो देखता हूँ और बहुत अच्छे मजाक बनाते हैं थैंक यू भाई थैंक यू आप लोग भी इसका चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो गाइज यहाँ से यूनिफॉर्म का ड्रेस मुझे मिल चुका है तो अभी यहाँ से घर चलेंगे लेकिन खैर पेमेंट पहले कर दे फिर जाएंगे यहाँ से यूनिफॉर्म लेके मैं वापस आ गया हूँ तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं मिलते हैं कल के व्लॉग में अपने भाई उमेर अकबर को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़